अध्यक्ष जी, आज विकास भवन में आप लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, क्या विषय है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जो है बैठे हुए हैं, क्या है मामला? पहले अपना नाम बता दें, मैं रामस्वरूप वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद सरावस्ती। उप कृषि निदेशक द्वारा किसानों के साथ घपलेबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। इन्होंने यंत्र देकर जिनके पास खेती के योग्य जमीन ना है उनको किसानों उनकी को किसान मानकर इन्होंने यंत्र देकर जो आलू की खुदाई करते हैं वो मशीन देकर उसमें इन्होंने पूर्ण रूप से पैसा गमन किया है। और जो किसान पात्र हैं, सही किसान मैनुअल हैं, वो किसानों का फाइल जो है पास करने में आनाकानी करते हैं, उनको लाभ देते नहीं, उनको लाभ से वंचित करते हैं। जहां पर इनको 50% का पैसा मिलता है जिस किसान से, उसका यंत्र इन्होंने उनकी फाइल पास करते हैं। जो किसान पूर्ण रूप से मजबूत हैं, उन किसानों जो कमीशन नहीं देते हैं उन किसानों को साइड किया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारी हैं बिंदुएं, जैसे कि क्या नाम है, जिला उद्यान अधिकारी है, उन्होंने जितना किसानों को लाभ देने के आह्वान करते हैं, आह्वान करने के बाद में जो फाइल तैयार होती हैं उस फाइल पर 35% लाभ का जो हिस्सा इनको 35% जब दान करेंगे, कमीशन देंगे, उनकी फाइल किया जाता है। अन्यथा जो पैसा नहीं देता है उसकी फाइल को कैंसिल करके सेट किया जाता है। इसके उपलब्ध में जो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे, जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे आंदोलनकारी बनकर हम बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कहाँ है, अरे जो कल दिए हो।